हम सभी को आज अच्छी तरह से सीखना है इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे करना है, यानी कि ITR फाइलिंग कैसे करना है। 31 जुलाई तक ड्यू डेट है वैलिड, उन दिनों तक 31 जुलाई 2024 तक आपका ITR भर जाना चाहिए। आसान तरीके से सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में ITR भर सकते हैं, कोई खास स्पेशल ज़रूरत नहीं है। चलते हैं स्क्रीन में सारी चीज़ों को सीखते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत आसान है, आप सब अपने आप को नेक्स्ट लेवल में ले जाइए। मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं लगातार स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए, जैसे कि जो प्रोफेशनल्स हैं, मार्केट मूवर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे स्टॉक मार्केट में काम करके पैसे बना पाते हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं, उनको सीखने के लिए प्रेजेंटेशन बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज लिटरेसी की जगत में सबको ज़रूरी है कि हम अपना काम खुद कर पाएँ, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करना है उसके बारे में इस वीडियो में हम गहन अध्ययन करेंगे। काफ़ी आसान है ITR कैसे फाइल करना है। ITR फाइल करने के लिए 5 चीज़ें क्या है इम्पोर्टेंट, उसको हम आगे चल करके सीखेंगे। पर अभी हम ये बात को समझना है कि ITR फाइल अगर नहीं करते हैं तो कितना क्रूशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ख़ासतौर से तब जब आपको पेनल्टी लग जाती है या कोई लीगल केस शुरू हो जाता है। इसलिए समय के पहले ITR भरे जाना बहुत ज़रूरी है। 31 जुलाई तक ड्यू डेट है, जो न्यू रिजीम है उसके अंडर में आपको ITR फाइल करने हैं। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो न्यू रिजीम का कालम आपके लिए नहीं रह पाएगा, बिलेटेड ITR भर पाएंगे, बट उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नए पुराने रिजाइन से आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है दोस्तों 31 जुलाई तक ITR फाइल कर लें। अगर ITR भरने वाले प्रोफेशनल्स बिजी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, खुद आप अपने कंप्यूटर में बैठ करके कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बता दूंगा। व्हाट इज ITR? ITR है क्या? तो यह एक, जो भारत में रहने वाले लोग हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं, उनके लिए ITR 1 है। द इनकम शुड बी फ्रॉम, उनका इनकम सैलरी से होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए, फैमिली पेंशन का इनकम हो सकता है, एग्रीकल्चर का 5,000 रुपये ही हो तब, और अदर सोर्सेज एज इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स या फैमिली पेंशन। इस तरह से जो इनकम होता है उनके लिए ITR 1 जरूरी है। हु कैन नॉट यूज ITR 1? तो ये लोग हैं जो ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो रेसिडेंट नहीं है इंडिया के। दूसरा, जिनका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है वो ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन्होंने अपनी इनकम लॉटरी से, रेस हॉर्स से या लीगल गैम्बलिंग से पैसे बनाया हो उसके लिए भी ITR 1 नहीं है। टैक्सेबल कैपिटल गेंस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेंस जो काफ़ी दिन पहले खरीदे थे, आज उनको काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, तो जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टैक्स लगते हैं वो भी ITR 1 उनके लिए नहीं है। जिन्होंने इक्विटी शेयर्स वगैरह में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट लिस्टेड है वो ठीक है, लेकिन जो अनलिस्टेड यानी ब्लैक में इधर उधर इक्विटी खरीद करके बेच करके पैसा कमाते हैं उनके लिए भी ITR 1 नहीं है। और इनकम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी 1 है तो ठीक है, ITR 1 लागू है, बट उससे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है हाउस की उसमें आपको ITR 1 लागू नहीं है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर ITR, तो आप AIS आप जब लॉगिन हो जाते हैं तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 आपका जो एम्प्लॉयर है वो दे देगा। हाउस रेंट की रिसीप्ट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो, और
टैक्सपेयर्स शुड नोट दैट दे आर नॉट सपोज टू अटैच, कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच नहीं किया जाता, इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेकर के रखना है, बट कीप दीज डॉक्यूमेंट्स हैंडी इन केस दे नीड टू बी सोल्ड टू टैक्स अथॉरिटीज फॉर एन असेसमेंट और इंक्वायरी। यदि आप ITR में कुछ चीज़ भर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, जब कभी इंक्वायरी होती है या टैक्स अथॉरिटी आपका पूछता है तो आपको शो करना पड़ेगा। इसलिए ITR फेयर होना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से अपना फाइनेंशियल जर्नी तय करना है तो आकी थिंग्स टू रिमेम्बर व्हेन ITR, जब ITR फाइल कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसे ध्यान रखना है। नंबर एक है स्पॉट डिस्क्रिपेंसी, यानी कि जब ITR फाइल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सब चीज़ भरा रहता है, पर 26AS और TDS-CS का जो सर्टिफिकेट्स होता है उनसे मिलान कर सकते हैं तो आपका डिस्क्रिपेंसी नहीं होगा। एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स केयरफुल्ली, सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके 26AS है, फॉर्म 16 है, उससे आपको डाटा मिला लेना है। प्रीफिल डाटा ऑलरेडी ITR जब आप ओपन करते हैं सब चीज़ फिल होता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है 26AS है, उससे केवल आप मिला सकते हैं कि आपकी इनकम इतनी थी, आपका टैक्स इतना कटा है, जो इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं FD के, सेविंग अकाउंट के, उससे भी आप मिलान कर सकते हैं। हर एक का कॉलम अलग अलग होता है, पता चलता है। मेक श्योर टू E-Verify, और इसके बाद ITR फाइल करने के बाद आपने E-Verify करना है। E-Verify ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है और पैन कार्ड से भी लिंक है तो वहाँ पे OTP जनरेट करते हैं, वो OTP आपके मोबाइल में आ जाता है, वो आते ही आप उसको भर देते हैं तो सबमिट हो जाता है। वेरी सिंपल है। आपने अभी तक बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं और काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, करना बाकी है, तो मेरा एक सिंसियर एडवाइस है कि आप लोग अपने आप सारी चीज़ें करें। और कैसे ITR फाइल करना है अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सारी चीज़ें सीखते हैं। ये साइट है eportal.incometax.gov.in, इसको आपने क्लिक कर दिया तो ये आपके सामने खुल जाता है। जैसे ये खुल जाता है तो आपका यहाँ पे, अगर आपको किसी प्रकार खुला तो रजिस्टर और लॉगिन रहता, तो लॉगिन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन क्लिक करते हैं तो अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, वही ID कहलाता है। इसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद एक कॉलम आता है, उसको क्लिक करके पासवर्ड डालेंगे तो आपका पोर्टल इस तरह से खुल जाता है। तो सबसे पहले सर्च करेंगे IN, इनकम टैक्स पोर्टल आ गया, इनकम टैक्स होम, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज में हम पैन कार्ड नंबर डालते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने पैन कार्ड डाल दिया, कंटिन्यू क्लिक कर दिया। जब ये कॉलम आया तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और ये पोर्टल इनकम टैक्स का खुल गया है, जहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, बैंक का अकाउंट अपडेट कर सकते हैं और सिक्योर योर अकाउंट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डाटा मिलेगा, फिर आपका आधार OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और उससे आप अपडेट कर पाएंगे। अब चलते हैं, सीधे हमको ITR फाइल करना है। इसके ऊपर पूरे कॉलम है, डैशबोर्ड, ई फाइल,
ये सब सर्विसेज, तो यहाँ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। पर हमारा काम है सीधा ITR फाइल करना, कौन सा, असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो उसका हम अगले साल असेसमेंट करेंगे। 31 मार्च 2024 तक का है तो असेसमेंट ईयर 24-25 हो गया। फाइल ITR इसमें से हमारा करंट है तो रहने देंगे, अदरवाइज लास्ट ईयर का है तो हम देख सकते हैं। तो ये है हमारा करंट, तो करंट को हमने टिक कर लिया। इसके बाद हमें ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है, ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे काउंट एडवांस कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं करना, अगर आपने पहले कुछ भरा है तो यहाँ पे सेव हो जाएगा तो उसको क्लिक करना है, अगर नहीं भरा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, न्यू फाइलिंग में हमने क्लिक कर दिया और ये न्यू फाइलिंग आपके सामने अभी पेज आ जाएगा। आप HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, अदर्स नहीं है, आप एक इंडिविजुअल हैं। आपका सैलरी होगा, पेंशन होगा, आपका कोई इनकम होगा, सिंगल है तो वो भरना है। तो चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में फिर ITR के फॉर्म हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो जो एम्प्लॉई हैं जो सैलरीड हैं वो ITR 1 भरेंगे, बाकी अपना ITR 2-3 सबके अपने अपने क्लास हैं। हम बात करते हैं ITR 1 की, और ये ITR 1 आ गया है। ITR 1 यहाँ तक ये आपने क्लिक कर लिया, आगे चलेंगे लेट्स स्टार्टेड। ये देखिए लेट्स स्टार्ट। इसके बाद टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आपका मोर देन एग्जम्पशन है तो इसको टिक कर लें, नहीं है अदर्स में है तो अदर्स में क्लिक कर लें। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आप हमारा यही होता है, हम इसको भर लेंगे, क्लिक कर दिया। अब ये टाइमर शुरू है, गेट स्टार्टेड टाइमर है। आप इस टाइमर के अनुसार से आपको इतनी चीज़ें करनी है। नंबर एक पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है, नंबर दो ग्रॉस टोटल इनकम, नंबर तीन टोटल डिडक्शन, नंबर चार टैक्सेस पेड, नंबर पाँच टोटल टैक्स लायबिलिटी। जब इतना कंफर्म हो जाता है, यही कॉलम अभी नीचे आएंगे गेट स्टार्टेड में। इसके बाद फिर वैलिडेट करना है, तो यहाँ आएगा कंफर्म, इसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट, बस इतनी ही कार्रवाई है। तो कैसे है आगे हम एक एक करके देखते हैं। तो आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम क्लिक करेंगे यहाँ। इस केस में देखो जैसा हमने बताया था, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी, सब चीज आपके सामने आ गया है इस केस में। तो अभी हमने इंफॉर्मेशंस में चलना है। जब पर्सनल इंफॉर्मेशंस खुल जाता है तो स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो हमको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लिक करेंगे तो इसमें सेलेक्ट करना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं या स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है या PSU पेंशनर है, और इसके बाद अदर्स पेंशंस नॉट अप्लीकेबल फैमिली पेंशन, तो जो है इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आगे सबमिट कर सकते हैं। तो किसी भाई साहब कहा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स है और उसको हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लेट हो जाता है तो फिर इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आने लगेगा 31 जुलाई के बाद, तो आप इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टैक्स न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम, तो हमने बोल रहे हैं डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शंस आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम
यानी कि न्यू टैक्स रिज्यूम में आपको करना है या आउट ऑफ, तो आउट ऑफ में हमको नहीं करना, यानी कि हमें न्यू रिज्यूम में ही करना है, यानी आउट ऑफ में हमने कर दिया कि आउट ऑफ रिज्यूम हमें नहीं जाना, तो नो कर दिया, नो करना है। इसके बाद और कुछ भी नहीं करना है। बैंक डिटेल आपके सही हैं तो ओके है। इसके बाद फिर आप नीचे चलेंगे, कर देंगे कन्फर्म। आपका पर्सनल डिटेल आपका ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है क्रॉस टोटल इनकम। इस कैंडिडेट का इनकम है 416,698, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें दो तीन चीज़ें पूछ रहा है कि आपका सैलरी एग्जम्पशन, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इंक्लूड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, तो नहीं लागू है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं लागू है। अदर एग्जम्पशन कुछ भी लागू नहीं है। कंटिन्यू जरिए कि आपका जो सही है वो ऑलरेडी इसमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करता है आपके पैन कार्ड के आधार पर, तो इसमें सब चीज़ें रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए 415,202 आपका ग्रॉस सैलरी है। इसमें आपको 50,000 का रिबेट मिलता है, जिससे आपका नेट चार्जेबल होता है 365,000। अगर आपको कुछ इनकम और शो करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इनकम ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट इनको मिला है भाई साहब को 1,870, तो ठीक है, रहने दो इनको, एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिले हैं 42,000 और डिविडेंड इनकम मिला है 6,575 डिविडेंड इनकम है, और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ये 821। तो ये इनकी सारी इनकम है, सबकी ऐसी ही होती है। तो टोटल जो इनकम है इनकी 51,496 जो अदर इनकम है। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द अदर सोर्सेस, ये अदर सोर्सेस का ये है। टोटल आपका 416,698 हो गया इन एग्जम्पशन के बाद। तो अब हम इसे कंफर्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया। अब आ जाते हैं टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में आपका अगर कुछ है ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, यस नो कर सकते हैं, लेकिन कोई डिडक्शन आपके लिए अभी इस कॉलम में लागू नहीं है, इसलिए एक्टिवेट भी नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। वेरीफाई योर डिडक्शन, तो आपका डिडक्शन कुछ है नहीं, आपने कंफर्म कर देना है। जब आपने कंफर्म कर दिया तो आपके तीन कॉलम पर्सनल, क्रॉस, टोटल डिडक्शन, आ जाइए टैक्स पेड में, क्लिक करिए। का टैक्स जो कट चुका है 5389 कट चुका है सैलरी से, तो जो आपने टैक्स पेड किया है 5389 वो यहाँ पे है, इसको आपने देखा और कंफर्म कर दिया। इस प्रकार से आपका ये भी कॉलम कंफर्म हो जाता है, चारों कॉलम आपके कंफर्म हो गए। अभी आ जाता है टोटल टैक्स लियबिलिटी, क्लिक किया आपने, आपने इतना टैक्स पेड कर दिया है, आपका इनकम था 416,000, राउंड फिगर में 700 भी है, तो टैक्स
पेएबल ऑन टोटल इनकम 5835। रिबेट आपको मिल चुका है, ये 5835 ये भी आपको रिबेट मिल रहा है अंडर सेक्शन 87 अल्फा में। और अभी आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए हमने कहीं कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्लिक किया है, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं तो हमें पूरा चीज़ें मिल गया। और ये भी टोटल टैक्स लियबिलिटीज भी कन्फर्म हो गया, अभी आपको कोई टैक्स भरना नहीं है। और जो आपका टैक्स कटा हुआ है 5389 ये भी आपको वापस मिल जाएगा। इस तरह से आपने पांच चीज़ें भर दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म, ग्रास टोटल इनकम कन्फर्म, टोटल डिडक्शन कन्फर्म, टैक्स पेड 5389 कन्फर्म, टोटल टैक्स लियबिलिटी कन्फर्म। आप ही सीधे जा करके प्रोसीड, जब आपने प्रोसीड किया तो ये पेज आपके सामने खुल करके आया, जिसमें स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड रुपीज 5390। आपको आपका जो टैक्स कटा था 87 अल्फा के अंडर सेक्शन में, आपको वापस मिलेगा, रिफंड होगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी आपका टैक्स कटा हुआ होता है आपको नहीं पता चलता है, आईटीआर फाइल करने से आपको पता लगता है और आपका वो पैसा वापस आ जाता है, इसलिए सभी को आईटीआर फाइल करना चाहिए। अभी आप देखिए कि यहाँ पे मिला लीजिए कि क्या चीज़ है, सब चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ गया, फिर से आपकी समरी आ गई, ग्रास टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्स आपने पेमेंट किया है और आपका रिफंड इतना है। इसके नीचे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगी, देखिए तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब आ जाता है प्रीव्यू रिटर्न, आप रिटर्न को तो एक आखिरी में ये चीज़ आपको यहाँ पे टिक करनी है, ये आपने टिक कर दिया, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने से आपका प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न आपका खुल जाता है। इसके अंदर आप क्लिक करते जाएंगे तो नीचे सारी चीज़ें दिखेंगी जिसे आप चेक कर सकते हैं कि गलत है कि सही, रिव्यू यही है बट मैक्सिमम सही ही होता है। अभी हम लोग स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कि सही है कि गलत। देखिए सैलरी यहाँ पर आई है इतनी, जो वहाँ पर थी वही है, और आपको रिबेट 50,000 का मिला, तो आपका 3,65,000 फिर आपका टैक्स लेबिलिटी बनी। और इसके बाद 51,496 आपका अदर इनकम हुआ अदर सोर्सेस से, और आपका जो इनकम ये हुआ है वो ये है, जोड़ लो आप इंटरेस्ट फॉर्म रिफंड, आपको जो इनकम टैक्स का रिफंड पिछले साल मिला है, लेट मिला है, तो उसका इंटरेस्ट मिला है, और आपका एफडी से इतना मिला 42,000, डिविडेंड इनकम आपका ये हो गया 6,575, यानी कि शेयर मार्केट से जो डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये इनकम है, कैपिटल गेन, या यहाँ पे आ जाता इंटरेस्ट फॉर्म सेविंग। इसके बाद ये आपका टोटल आ गया, सब चीज़ें आपको यहाँ भरी हुई आपको मिलेंगी, कोई छेड़खानी आपने किया भी नहीं है, केवल क्लिक किया है, तो इतना क्लिक सभी कर सकता है आसानी से, तो इतना हम सब क्लिक करके भर सकते हैं और चेक करना है केवल, कुछ भी नहीं है। प्रोसीड टू वैलिडेट, वैलिडेशन सक्सेसफुल, वैलिडेशन हो गया है, अब एक बाकी है वेरीफाई एंड सबमिट। तो प्रोसीड टू वेरीफाई एंड सबमिट, जब है नहीं कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, तो जब आपने उसको क्लिक किया तो आप पूछता है कि कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, यानी कि इसको कंप्लीट करना है, तो वेरी आसान है, ई वेरीफाई नाउ करना अभी के अभी, तो आपने बाद में भी कर सकते हैं, और ये
इसलिए हमने अभी के अभी वेरीफाई कर देना, तो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो पूछा है पहले कि हाउ डू यू, जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आपसे पूछता है कि हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, तो आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यही सही रहता है। तो पहला ही कॉलम को क्लिक कर लेना है, ये क्लिक किया। पहले ही कॉलम को क्लिक कर लिया, टिक कर लिया, इसके बाद यहाँ आकर के कंटिन्यू करना है। तो पूछ रहा है कि क्या आप वन टाइम पासवर्ड के लिए एग्री हैं, तो बोलना है कि हाँ एग्री हैं, तो ये कॉलम आ जाएगा। फिर जनरेट करना है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो जनरेट हो जाएगा, और जैसे जनरेट होता है तो ये इंडिविजुअल के मोबाइल में जो पैन कार्ड में उसका रजिस्टर्ड है और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उसमें ये ओटीपी चला जाएगा। अब ओटीपी यहाँ पे डालना है, बस ओटीपी डाल करके यहाँ वैलिडेट कर देंगे तो आपका आईटीआर कंप्लीट हो जाता है। देखिए फील करिए कि कितना आसान है, एक बार जब आप कदम रख देंगे इस दहलीज में तो ये प्रक्रिया आप कर पाएंगे। हमेशा आपका एक टेंशन रहता है या आपकी इसके बारे में बिल्कुल चिंता ही नहीं रहती है, दूसरा का भरोसा करते रहते हैं। आप अपने से खोलिए बनाइए, और यदि किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अवेयरनेस के लिए सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वैल्यूएबल वीडियो मैं बनाऊं और जैसे अपलोड करूं तो आप तक सीधे पहुंच जाए और आप उसको समझ पाए। धन्यवाद। इस प्रकार से ये ओटीपी हमने इंडिविजुअल से ले लिया है और डाल दिया है, और अभी से वैलिडेट करेंगे। अब इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो चुका है, और एक कॉलम आता है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, तो इसको ना भूलें, इसको जरूर सबमिट कर दें। और इसको अगर बार सबमिट कर दिए तो एक नोट है कि आपने सबमिट कर दिया तो इसके बाद फिर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें मॉडिफाई करना भी नहीं है, हमारा काम हो गया। हमने 5 कॉलम जो भरे हुए थे हमारे नज़र में वो सही हैं, हमने टिक कर दिया। इसके बाद हमें हमारा जो ITR डिडक्शन हमारा इनकम टैक्स कटा हुआ था वो भी हमको वापस मिल रहा है, तो अभी हम कुछ करने नहीं है। अभी हम अगर कुछ आपको रिटर्न होना है या कि आपको पेमेंट करना है, कुछ चीज़ें हैं तो आप प्रोफेशनल से समझ सकते हैं इस बात को, अदरवाइज अपने आप और साइटों में है इंफॉर्मेशन से समझ करके अपने आप खुद ITR भर सकते हैं। लेकिन ITR भरना ये आपका खुद का जिम्मेदारी है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, अवेयरनेस के लिए। इसके साइट में जाने से प्रत्येक चीज़ें अच्छी तरह से समझाया हुआ है, समझ करके इसके ऊपर रिलाय नहीं रहना, अपने आप पर ही आपका खुद का जिम्मेदारी है जो भी आप कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह से आप खुद जिम्मेदारी लें, एक्टिव हों, अवेयर हों, और एक दो स्टेप अपनी लाइफ में आगे निकल जाए, इसी तरह दूसरों को भी सीख लें। धन्यवाद। देखिए हमने ये सबमिट किया, सबमिट कर दिया, तो यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, सब कुछ आपका ओके हो गया। और अभी आपका मैसेज चला गया है गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में जाना है तो आप डैशबोर्ड में जाइए, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं।
डैशबोर्ड में जाने से ये आपका आ गया, दो काम हो गया। 12 जुलाई को आपका ITR फाइल हो गया और रिटर्न वेरीफाइड 12 जुलाई को वेरीफाइड भी हो गया। अब दो प्रोसेस बाकी है, रिटर्न प्रोसेस जो ITR ऑफिस है वो करेगा और प्रोसेस ऑन वही करेगा, इसके बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए, अच्छा रहा, हम आशा करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन दोस्तों, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर हम लगातार इंटरवल में प्रयास करते रहें तो सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। इतना तो सीख सकते हैं कि जो खुद का काम है वो खुद तो कर सकते हैं। जा कर के किसी के ऑफिस में लाइन लगना और बोलना कि सर मेरा ये क्या हो गया, मेरा ये क्या हो गया, मेरा ये भर दो, और उसको फीस भी देना, तो ज़्यादा उचित नहीं है। फिर भी अगर आप अक्षम हैं, मतलब असक्षम हैं, तो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई असक्षम है। सभी डिजिटल है, सभी मोबाइल चलाता है, सभी ईमेल चलाता है, सभी के पास कंप्यूटर लैपटॉप है, तो सभी कुछ सब कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने करके आपको दिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फटाफट शेयर करिए सभी को, सभी प्रोसेस को सीखें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी स्ट्रेंथ बूस्ट हो कि हमारे साथ आप सब हैं। प्रूव करिए कि आप सब हमारे साथ हैं। कमेंट में लिखिए कि आपका वीडियो मिला, हमने देखा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।